हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे खड़ी बस, इसका हुआ पेंट और ये बम्पर देख रहे हैं इस पर पुट्टी लगा रखी है, उसका डेंट पेंट किया है। तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे और पेंट करते हुए क्या क्या चीज़ की सावधानी रखनी है उसके बारे में बात करूंगा, और जैसे पुट्टी कैसे लगानी है और जो सैंडर मशीन होती है उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में इस वीडियो में आपको मैं फुल्ली इन्फॉर्मेशन दूंगा। माय नेम इज पवन दिवाकर, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जैसे आप देख रहे हैं पेंट का मटेरियल हमारा, ये सारा पेंट हमारे पास, ये ऑरेंज पेंट है और ये वाली मशीन है जो सैंडिंग मशीन होती है, जैसे पुट्टी जो हमने लगाई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी कंपनी की पुट्टी यूज़ करता हूँ। ये है मेरी पुट्टी की कंपनी है, शायद तो इस कंपनी की पुट्टी लगा रखी है। इस कंपनी का नाम है निपॉन पेंट की पुट्टी है ये। तो आपको मैं ऊपर खोल के दिखाना चाहता हूँ कि अंदर से कैसी होती है। तो जैसे देखते हैं पुट्टी है जो यहाँ पर लगा रखी है हमने, इसको लगाने के बाद हमें 10 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ये सूख जाता है और सूखने के बाद इसको घिसना है। तो घिसने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाली मशीन है हमारी, जो सैंडिंग घिसने वाली मशीन बोलते हैं इसे। इसका यूज़ करके हम जो ये पुट्टी होती है इसको घिसते हैं ताकि इसका जो लेवल है वो साफ़ हो जाए और इस सख्त हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं इस मशीन को चलाने का तरीका होता है, आपको ऊपर से यूँ पकड़ना है और इसको दबाना है। इसको आप प्रेस अप करोगे, दबाओगे इसको तो ये घूमना चालू कर देती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से इसकी जो एयर होती है आउट जाती है, तो ये जो यहाँ से आउट निकलती है तो ये होती है जो हम कंप्रेस्ड एयर पे वर्क करता है। ना इसमें कोई बिजली चाहिए ना कुछ चाहिए, बस इसको कंप्रेस्ड एयर चाहिए होती है इसको घुमाने के लिए, काम करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं इसको कराना है तो इस हिसाब से इसको इस पर यूँ करना होता है। इस तरह से हमें इस मशीन को यूज़ करना है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मसाला आपको कैसे बनाना है। जैसे ये मसाला है इसका, एंड ये पुट्टी हमारी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हमने अलग निकाल लिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्लो टाइप का, और जैसे हम इसको इसमें डालना है, जैसे ये पिंक कलर का ऐसे निकल रहा है, और डालने के बाद धीरे धीरे डालना है। आपको क्वान्टिटी के हिसाब से डालना है, जितना पुट्टी लेते हैं उसके हिसाब से इसको मिक्स करना है इसके साथ, और इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे आप देखेंगे इस पत्ती की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करें, इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। आप देखते हैं अभी बहुत ज़्यादा शानदार है ये, इसकी ऐसे फेंटना है इसको टाइटली ताकि ये अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। और ये मिक्स होने के बाद आप देखते हैं हमारा जो पुट्टी वो रेडी हो गया। आपको इस चीज़ को यूज़ करना है पुट्टी साथ, ये पुट्टी साथ आप हमें जो हम पुट्टी खरीदते हैं उससे तो ये हमें मिलता है, और इसको इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें बस की जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर लगाना है, और इसको अच्छे से लगाने के बाद और इसको सैंडिंग मशीन से घिसना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि कैसे आप घिस सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और टिप्स बताऊंगा कैसे कैसे आप इस काम को करोगे। और आप जैसे देख सकते हैं मेरे पेंट स्प्रे गन है, इसका जो ये कनेक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस कनेक्टर को इस पाइप से कनेक्ट करना है यहाँ पे ताकि इसमें कंप्रेस्ड एयर आ जाए, और यहाँ से आपको पेंट डालना है इसके ऊपर। तो अभी मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हमने जिस बस को है इसको पेंट पहले कर दिया मैंने, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और अभी ये पेंट हमारा सूख रहा है। और जो ये होती है मशीन, तो यहाँ पर ऊपर से आपको इस कैप खोल के इसके अंदर पेंट डालना होता है इसके अंदर, और बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से टिकट दबाने के बाद ये पेंट चालू आता है, ताकि क्योंकि यहाँ से हवा जाती है अंदर, और यहाँ से इसके अंदर पेंट होता है, और भी वो बाहर आके हमारी गाड़ी जहाँ पे हमको पेंट करना है वहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से होता है।
तो हमने इस पेंट करा इसको। अब बाकी जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पेंट यहाँ पे करते हैं साइड में, इस पर पेंट करते हैं, तो ये जो चीज़ होती है, ये वाला एरिया होता है लाइटिंग का, इसको जो पेपर्स होते हैं उसकी मदद से इसको कवर करते हैं, क्योंकि कवर करने के बाद क्या होता है, इसकी मदद से जो ये लाइट का जो ऊपर प्लास्टिक है ये वाला ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई निशान नहीं आएगा। तो उस चीज़ की सावधानी आपको रखनी है। उस हिसाब से अगर आप इस साइड पेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके डोर्स होते हैं साइड में उनको भी कवर कर देना, और विंडो जो होती है विंडो के अगर यहाँ पे पेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इस जो अपर वाला एरिया उसे कवर कर दें। इस हिसाब से पेंट होगा वो बिखरेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमें एक पत्ती टाइप की यूज़ करनी है, उसकी मदद से यूँ यूँ करके इसको लगा देना, और उसके बाद ये सूख जाती है, फिर इसकी इस मशीन की मदद से इसको हम घिस सकते हैं। घिसने के बाद ये एक लेवल में आती है और ज़्यादा जो भी अपर एरिया होता है वो ख़त्म होता है, और बाकी जो भी ये जो एरिया है वो इसके साथ लेवल में आ गया, ये एरिया इसके साथ लेवल में आ गया, और उसको लेकर घिस घिस के बिल्कुल ही इस तरह से हमें सॉफ्ट कर देना है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप इसके ऊपर पेंट कर देंगे। पेंट करना आप जैसे जानते हैं, और जो पेंट कैसे करना है और उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपको देख के अच्छी लगती है तो वीडियो कर दें एक लाइक, और रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा लें, बेल आइकन के बटन दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड थैंक यू गाइस।